सर एक मिनट, एज ए रिपोर्टर कंपोजिशन अभी वर्तमान में मेरा चैनल मेरा दर्शन शुरू कर रहा है और पुलिस सेवा से रिटायरमेंट बाद मैंने संभाला है पुलिस के पक्ष के लिए। सर घटना में क्या स्थिति है? देखिए इस पर अभी हम अरे ठीक, हमारे एसडीओ साहब हैं और जो भी है तहसील साहब का कहना भी सिचुएशन पीसफुल है। अभी आप लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है, हम लोगों को नियंत्रण करने पर ठीक है, विजय व्यवस्था सामान्य रहे इस पर लगे हुए हैं हम लोग। सर आपके साथ है पूरी टीम हमारी, आप जरूरत के अनुसार सब कुछ बताए ठीक है। प्रशासन आया उन्हें 5 लगभग हो रहा तो लोग प्रशासन में गाली बक रहे थे तो ये लोग मना किया कि भाई काहे गाली बक रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, इसी कारण मतलब कि थोड़ा इधर से हुआ और थोड़ा उधर से जबरदस्त हो गया। अच्छा, बड़ी मस्जिद की पूरी सीसी मस्जिद की क्षतिग्रस्त हो जा दी गई है। अच्छा, उसके बाद आधा घंटे के बाद मतलब कि आस पास में पुलिस है। अच्छा, ये बड़ी मस्जिद का जो तोड़फोड़ बात है इसमें कहाँ का जुलूस था, कौन सा ये अब जुलूस हम नहीं बता सकते हैं कहाँ का था। हम लोग तो भाई कई मूर्तियाँ थी, एक मूर्ति थी कई जुलूस ना मूर्ति एक मूर्ति मूर्ति किसी एरिया का होगा ना जुलूस निकलता है कोई एरिया का नबीगंज का, ये हम नहीं बताते एरिया का, हम नहीं बता सकते। अच्छा 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 अच्छा, हमें कौन सा एरिया का था ये हम नहीं बता सकते। कोई इसमें किसी के साथ मारपीट नहीं हुई है किसी मुस्लिम के साथ? अब शायद उधर किसी को मार के सिर उठ दिया था जो गेट लगा ना, हाँ हाँ उनका मार के किसी को छूप लगा वगैरह मूर्ति के तौर पर क्या मस्जिद में किसी तरह कोई अच्छा ये है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद मुंड। क्या हुआ था घटना आपके साथ भी? बैठे हुए थे ठेला पे बैठे हुए। अच्छा ठेला पे बैठे हुए थे आप, ठीक है। तो और किसी को आगे से कर लीजिए, हाँ इधर 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 टूटा हुआ है, दर्द बाह टूटा हुआ है, बाजू भी मनोज राय जी, क्या हुआ था? यार सुबह में 5 बजे गए थे लोग हम लोग डीजे बजा को। कौन कौन? ये था ट्रैक्टर, मैंने हमारे पास 4-5 गाड़ी आगे रही थी। अच्छा, वो राम जी का मूर्ति लगा हुआ था अभी थाना पर। अच्छा
तो वही मूर्ति को पहले ही चला था। अच्छा, वो जब बुद्धू नाम का एगो मुस्लिम का घर था। अच्छा, मस्जिद के बगल में। अच्छा, वही घर में से चला था। और दूसरा दुर्गा जी का मूर्ति इधर है, वो रास्ते में तीन मूर्ति नुकसान हुआ। एक वाई बजरंग बली का उनका कदर पे चोट है आपके अनुसार, दूसरा एक मूर्ति जो थाना में चला गया उसको पूरा नुकसान हुआ। उनको पूरा नुकसान हो गया सब मूर्ति। मूर्ति किनका था? वो पंकज सिंह का था। मूर्ति किनका था? वो पता नहीं। अच्छा, जो भी था उनका मूर्ति में नुकसान किया, किसका नुकसान? मैंने उनके पूरा तोड़ दिया गया, हाथ टूट गया, हाथ टूट गया। चलिए, तीसरा राम जी भी बता रहे थे आप, तीसरा राम जी का वो ये सब है, यानी मूर्तियों पर दुर्गा जी का गर्दन में थे वो लोग छत पर से चला रहा था इनका। अच्छा, लोग छत पे से ईटा चला रहा, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा था कितना लोग है। और कुछ कहना किसी को इसके बारे में? चलिए, दूसरी पक्ष की बात है, जहाँ हम अभी जहाँ गए थे, ये सच्चाई घटना में है कि विसर्जन हो रहा था, विसर्जन क्रम में इनके अनुसार गुड्डू जो था उसके ऊपर से जो पथरावबाजी जो हुआ, तीस घटनाएं हुई। हम चलते हैं फिर अगले कड़ी में। आखिर क्या हो गया बिहार में? कहाँ है सुशासन, कहाँ है प्रशासन? किसकी गलती कौन है, कौन है करारा घटना को? कितनी चुस्ती पुलिस में सब जगह देखी जा रही है, सारा सिस्टम, बल्कि सारण के एस पी डीएम को जितनी तारीफ की जाए कम है। उन लोगों ने अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन किया, लेकिन बीच में किसने आग लगा दिया? है जरूर कोई तीसरा व्यक्ति जो बैड एलिमेंट है, हम उसके तलाश में हमारा चैनल निकलेंगे। हम जहाँ खड़े हैं, बताया जाता है कि मूर्ति या जो भी जाता हो आपस में कोई ठेला वाला था, जो भी बातें हो, घटना यही है। और ये जो सामने मस्जिद दिखा रहे हैं, जो भी ये पीछे भी देखिए, काफ़ी तोड़ फोड़ की गई है। हमारा मुद्दा छपरा से रिपोर्टिंग करने के मेन मकसद यह है, हम सारे डीजीपी साहब से भी हम रिपोर्टिंग दिया, डीजीपी सर आप हमको देख रहे हैं तो आपको हम मैसेज देते हैं। फैक्ट डीआईजी सारण आप भी देखते हो, हम बता रहे हैं, आईजी मुजफ्फरपुर देखते हो, ये जो हमारे ऑनेस्टली रिपोर्टिंग है, इसमें कहीं पुलिस प्रशासन का कोई फॉल्ट नहीं है। पुलिस प्रशासन तो अपने बिल्कुल कल के ड्यूटी तक मस्त में थे, लेकिन कुछ जो अभी जो चल रहा है, जो अभी जो पार्टी बेसिस पर किसी ने लगा दिया आग, जो छपरा वास्ते पहले ऐसी कभी घटना नहीं हुई थी, घटना सन खड़े निश्चित तौर पर जिसने भी किसी पक्ष ने भी गलत किया है उसके स्ट्रिक्टली कार्रवाई होनी चाहिए। किसी का पक्ष विपक्ष नहीं, सब कुछ है, लेकिन ये किसी का अधिकार नहीं है कि किसी के वर्क पर ऑब्स्ट्रक्शन करना। और हम चाहेंगे कि जितने जो रिपोर्टर्स हमारे हैं, यूट्यूब वाले चाहे बड़े चैनल रिपोर्टर से, एज ए ब्रदर, एज ए गार्जियंस, हमारा एक रिक्वेस्ट है, अफवाही समाचार कोई ना फैलावे, कोई गलत बात सूचना मोबाइल पर, फेसबुक पर या कहीं नहीं जाए। आप वही कर सकते हैं जो सच्चाई बातें हैं। यहाँ हम सबका धर्म है सारण छपरे में सभी मिलकर सौहार्द वातावरण मनाए, उसी की ये मेरा वीडियो पोस्ट है। और हम कोशिश करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि यहाँ हमारे पूरी चुस्ती से कॉन्स्टेबल या जिस रैंक के जो हैं खड़े हैं, ये लोग बताने का अधिकार भी नहीं है, ना ही लोग बयान भी दे सकता नहीं है, बैंडेड हैं लोग। लेकिन परिस्थिति जन जो स्पेशल सर्कमस्टांस में कह सकते हैं कि बाउ राम द अगेन रिपीट इन द इंग्लिश नाम स्टैंड्स ऑन द एक्चुअल पीओ वेर इज ऑपरेशन एज द टर्न इट इज द विजिबल करेक्ट ऑर्डर यू सीन द बैक ऑफ माई दिस द एरिया दिस द बिल्डिंग हैड बीन जो भी कह सकते हैं इट टोटली इट इज फैक्ट डन बाई द बैड एलिमेंट्स एंड आई रिक्वेस्टेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्टेड टू हियर द एस पी डी एम प्लीज टेक हार्ड एक्शन अगेंस्ट हु इज द गिल्ट हियर नाउ नेक्स्ट वी आई एम कंटिन्यू हम आगे बढ़ते हुए कोशिश करेंगे दर पत्थर हम सच्चाई बातों को रखेंगे छपरा की रिपोर्टिंग।